हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिजाइन की लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बताएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5 कलर ले लिए हैं और मैंने सुई ली हुई है और यहाँ पे कैंची ली हुई है। तो इसी से मैं आपको बिना क्रोशिया के और बिना सिलाइयों के बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बताएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 5 कलर ले लिए हैं। 5ों कलर से मैं आपको बताऊंगी, जो भी आपके पास थोड़े थोड़े कलर बचे हुए होते हैं उससे आप आराम से अच्छे से बिना क्रोशिया के और बिना सिलाइयों के अच्छी सी एक ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 5ों कलर से ड्रेस बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास इंच टेप है तो आप इंच टेप से भी आप इनको नाप सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से ऊन को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऊन को मैं फोल्ड कर रही हूँ और ये हम 10 बार इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये देखिए, 3 बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है, और ये देखिए 5 बार, और ये देखिए 6 बार, 7, 7, 8, 9, 9 बार मैंने तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको 10 बार फोल्ड कर लिया है ऊल को। ये देखिए, इस तरह से 10 बार मैंने फोल्ड करके यहाँ पे हम सभी कलर को लेकर इसी तरह से छोटा बड़ा इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे, ये देखिए मैं एक ही आपको बता रही हूँ, और यहाँ पे हम इस तरह से ये देखिए नॉट लगा देंगे। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, इधर से हम कट कर लेंगे, और ये हमने सबसे बड़ा बनाया है तो यहाँ पे हम इसी तरह से जितना बड़ा हमने ये बनाया है तो हम इससे छोटा आपके इस तरह से बना लेंगे, दूसरा, फिर तीसरा हम उससे भी छोटा बनाएंगे, फिर चौथा, फिर पांचवा उससे भी छोटा। इसी तरह से हम छोटा बड़ा इसको यहाँ पे सबसे बड़े बना लिया है। तो यहाँ पे, या यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हम चोटी की तरह बना लेंगे इसको। ये देखिए, तो यहाँ पे चोटी की तरह हम इसको घूम लेते हैं इस तरह से, बिल्कुल आसान है। सभी को हम चोटी की तरह इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे छोटा बड़ा। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ इसको, यहाँ तक गूँ लेती हूँ इसको, चोटी की तरह बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से हमने गूँ लिया है चोटी की तरह। अब ये देखिए, यहीं पे हम इसी धागे से, ये देखिए, इस तरह से एक धागा निकालते हुए इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, तो इसको मैंने इस तरह से बना लिया है। इसी तरह से हम छोटा बड़ा सभी के कलर के बना के कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी को इस तरह से बना लिया है छोटा बड़ा। ये देखिए, रेड वाला सबसे छोटा बनाया है, फिर उससे भी बड़ा हमने रेड वाले से, ये हमने ग्रीन वाला बनाया है। इसी तरह से सभी कलर के हमने 5ों कलर के छोटा बड़ा इसको बना लिया है, और ये हम 6 नंबर कान्हा जी के लिए आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम इनको सिलाई करेंगे किस तरह से हमने बनाना है। ये देखिए, सबसे पहले हम
इस तरह से यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से इसको मोड़ेंगे और यहाँ पे जिस तरह से हमने चोटी गोई है उसी तरह से हम चोटी की तरह सीधा चोटी को रखेंगे और यहाँ पे इसके बाद हम फिर उससे बड़ा, ये देखिए जो भी थोड़ा सा बड़ा गूँ जा रहा है वो हम सिलाई में उसको इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी धागे को कोई कट नहीं करा है, इसी तरह से ये देखिए सभी को हम इस तरह से रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे कोई भी धागा लेके आप इस तरह से सिलाई कर लें। ये देखिए मैं सिलाई कर लेती हूँ यहाँ पे हर चोटी से निकालते हुए। ये देखिए बड़े आराम से अच्छे से इसमें, ये देखिए सिलाई हो जाएगी। और रील वाले धागे से आप सिलाई कर ले, जिससे हम तुरपाई करते हैं पक्का धागे से। ये देखिए सीधा सीधा ही उसको सिलाई करें इस तरह से रखते हुए। तो सभी कलर हम यहाँ पे इसी तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ तक इसको मैं सिल लेती हूँ, फिर तीसरा कलर जब आपको लगाऊंगी फिर दिखाऊंगी। यहाँ तक इसको सिलाई कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों को सिलाई कर लिया है। फिर इससे जो बड़ा है ग्रीन वाले से तो हम इसको रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे यहीं से ये देखिए इस तरह से सिलते हुए। ये देखिए इसको भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। ये बिल्कुल आसान है, हर चोटी के चैन में से निकालते हुए सिलाई कर लें इस तरह से। तो दो कलर और बाकी बचे हैं हम ये छह नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पांच चोटी इसमें लगा रहे हैं। ये देखिए तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ये दोनों कलर को भी सिल करके आपको फिर से दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सभी को सिल लिया है, और ये है उल्टी तरफ, और ये देखिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब ये देखिए हम इसके यहाँ पे नोट लगाते हुए सुई को कट कर लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे अच्छे से बनके हमारा कंप्लीट है। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा धागा है वो हम कट कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी सुंदर हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट है। तो यहाँ पे ये देखिए हम इस तरह से छोटे छोटे हम यहाँ पे कंगूरे रहने देंगे। और इसको भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे सिलाई कर लेती। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से ये ड्रेस हमारी बनके कंप्लीट है। अब इसके बाद हम यहाँ पे भी इसी तरह से पांचों कलर से कंगूरे बना के
लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से तीन उंगलियों पे धागे को इस तरह से लपेटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार ही मैंने लपेट लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे हम इस तरह से, ये देखिए यहीं पे हम इस तरह से लपेटेंगे फिर, और इसको हम इस तरह से, ये देखिए एक बार और नॉट लगा लेते हैं यहीं से, इस तरह से इसी धागे से, और हम यहीं पे इसको कट करेंगे। तो पांचों कलर से हम यहाँ पे, ये देखिए इसको हम कट कर लेते हैं, ये देखिए इसी तरह से मैं पांचों कलर से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पांचों कंगूरे हमने बना के कंप्लीट कर लिए हैं, ये देखिए। और हम इनको इस तरह से पकड़ते हुए सभी कंगूरों को इकसार कर लेते हैं। ऐसे तो हमारे ये सभी एक साइज के बने हुए हैं तीन उंगलियों पे लपेटते हुए, पर थोड़ा सा इनको हम कट कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से, मैं इनको लगा करके आपको बताती हूँ। आप एक ही कलर से भी आप इनको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम उल्टा कर लेते हैं इसको, और इसी धागे से हम यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये देखिए इस तरह से मैं इनको यहाँ पे रखते हुए उल्टी तरफ से मैंने इनको रख लिया है, और यहीं पे हम इसी धागे से सिलाई करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे सभी को इस तरह से सिल लेते हैं, सभी को, सभी कंगूरों को, पांचों कंगूरों को मैं लगा लेती हूँ। तो चलिए हम इनको लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पांचों कंगूरे लगा लिए हैं, और ये देखिए यहाँ अच्छे से हमारी ये ड्रेस बनके कंप्लीट है, ये देखिए। और ये देखिए हम इस तरह से पहनाने के बाद इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन जाएगी। और यहाँ पे हम, ये देखिए इस तरह से हमने पतली पतली ये चोटी की तरह बना ली है। आप क्रोशिया से भी बना के और हाथ से बल देकर भी आप ये डोरी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये दो डोरी हम इस तरह से लगा लेंगे यहाँ पे, जब पहनाने के बाद पीछे की तरफ हम इनको नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे ये मैं दो इस तरह से यहाँ पे इस, ये देखिए ये डोरी मैं लगा लेती हूँ, और इसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दोनों तरफ डोरी लगा दी है, और देखिए काफ़ी सुंदर हमारी ये ड्रेस बन गई है, ये देखिए। और ये हमने बिना सिलाइयों के और बिना क्रोशिया के बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाई है अपने हाथों से, ये देखिए। बिल्कुल बनाने में आसान है। तो जब हम लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो इस तरह से, ये देखिए, चाहे तो आप आगे की तरफ बांध लें डोरी को, चाहे आप पीछे की तरफ इस तरह से, ये देखिए काफ़ी सुंदर ड्रेस हमारी बन गई है, ये देखिए। इस तरह से आप पहना के डोरी से आप नॉट लगा सकते हैं, ये देखिए। तो बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है, जिनको नहीं आता है वो भी आराम से इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कान्हा जी की ब्यूटीफुल सी ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसके कैप बनाने के लिए। अगली वीडियो में आपको कैप बताने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, चलिए मिलते हैं कैप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।